राशन कार्ड हेतु अगर आपको कोई भी कंप्लेन कोई भी शिकायत करनी है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। सुबह मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, अगर आपका बन चुका है और उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर राशन कार्ड नहीं मिल रहा है या आप जाते हैं डीलर के पास, वो जो है आपको कुछ और बताता है तो उसको आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। या आपको अनाज नहीं मिला है, या आपको कोटा में जो चावल नहीं मिला है, दाल नहीं मिला है, या आपको जो है कुछ भी नहीं मिला है और आपका डीलर नहीं सुनता है, अगर आप बोलते हैं तो आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से ऑनलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और आपका जो है ये कंप्लेन 101% जो है आपका जो है ये कंप्लेन होगा और उस पर जो है एक्शन भी लिया जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में राशन कार्ड हेतु कोई भी कंप्लेन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कहीं दुकान वाले के पास या किसी मुखिया किसी सरपंच के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप को ओपन करना है और मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका से आप घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए बिना किसी को पैसा दिए आप ये काम कर सकते हैं और ये काम आपका होगा ही और इस पे जो है एक्शन भी लिया जाएगा। तो आपको कैसे जो है राशन कार्ड है तो कोई भी कंप्लेन कैसे करना है, कोई भी शिकायत कैसे करना है, ये सब देखने के लिए भैया ये वीडियो को तो आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से राशन कार्ड है तो कोई भी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. तो राशन कार्ड हेतु अगर कोई भी कंप्लेंट कोई भी शिकायत करनी है तो पहले आपको अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करके आपको उसमें टाइपिंग कर देना है sfc.bihar.gov.in। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन होके आ जाएंगे। अब जैसे कि कोई भी कंप्लेंट कोई भी शिकायत करनी है तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीवेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट ग्रीवेंस और कैन नाउ ग्रीवेंस स्टेटस। तो आप अगर पहले से कोई सबमिट किए हुए हैं एप्लीकेशन या कोई भी कंप्लेन तो आप यहाँ के नाउ ग्रीवेंस स्टेटस पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर नया कंप्लेन करना है तो सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक नया पेज ओपन होके आ जाता है। ये आपको जो फॉर्म है यह आपको फिलअप करना है। तो पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कोई कार्ड से रिलेटेड कोई आपका जो यहाँ पे कंप्लेन है वो करना चाहते हैं, या देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन इशू है, बैंक रिलेटेड इशू है, कार्ड इशू है, तो इसमें आपका जो भी है उससे रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ कार्ड से इशू रिलेटेड कंप्लेन है तो मैं यहाँ कार्ड इशू पे ओके करूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड में ग्रीवेंस कैटेगरी, यहाँ पे आप ओके कीजिएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा जो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो कार्ड के रिलेटेड कौन सा कंप्लेन करना चाहते हो वो आप इसमें से चूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार्ड में नाम इन्हें ऐड करवाना चाहते हैं, या ब्राइड, या कार्ड नोट इशू हुआ है आपका या इनकोरेक्ट है, या नाम मिसिंग है इन कार्ड में, या नेम नोट इन लिस्ट, मतलब आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है, तो जो भी है इसमें से आप चूज कर लीजिएगा। चलिए देखिए मेरा नाम ही लिस्ट में नहीं है, मैं इस पर चूज करूँगा। अब यहाँ पर जिसका है जो आप कंप्लेन करना चाहते हैं जिसका, उसका नाम इसमें टाइपिंग करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नाम टाइपिंग कर दिया। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है वो सेलेक्ट आपको कर लेना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक आ जाएगा, कौन सा ब्लॉक है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। पंचायत कौन सा आ जाता है उसको पंचायत आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे विलेज टाउन आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये जो रेट मारा है वो आपको कंपलसरी भरना ही भरनी है। अब यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे देंगे, जो भी एड्रेस है उसमें आप टाइपिंग कर देंगे। इसके एड्रेस देने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि इस पर आप जो स्टेटस आते रहता है आपका मैसेज आते रहता है, तो इस पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें और एक ईमेल आईडी इसमें डाल देंगे।
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे टाइपिंग करना पड़ेगा कि आप किस बारे में यहां पे आप कंप्लेन करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आपको आ रही है। तो वो आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल में टाइपिंग कर दीजिएगा। डिटेल में टाइपिंग करने से ये होगा कि जितना डिटेल में आपको टाइपिंग यहां रहेगा उतना एक्सेप्ट ये फॉर्म होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, नहीं तो ये जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस बन जाती है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके उतना डिटेल में आप यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लेन का कोई फ़ोटो है, कोई अगर आपका जो लिखे हुए हैं और कंप्लेन आपके जो कहीं लिख के रखे हुए हैं तो उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कंप्लेन है तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखे हुए हैं, इसमें हम कंप्लेन अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहीं फ़ोटो है या कहीं लिख के रखे हैं कंप्लेन, तो इसमें चूज फाइल पर ओके करेंगे और जहाँ है वहाँ से जाके इसको जहाँ भी कंप्लेन है कंप्लेन को सेलेक्ट करेंगे, इसको तो ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका कंप्लेन देखिए आ चुका है, एक से ज़्यादा है तो इसमें आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले पे रजिस्टर कर देना है। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, सिंपली ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपका जो है ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपको एक ग्रीवियंस आईडी भी दे दिया है। तो इस ग्रीवियंस आईडी जो है आपका, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से फ़ोटो ले लीजिए और इसको सेव करके रख लीजिए। चलिए मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए फिर इसी पे आइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि नो ग्रीवियंस स्टेटस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपको ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है वो आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए मैं यहाँ पर डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद यहाँ गेट स्टेटस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी आपने कंप्लेन में किए हुए हैं वो टोटल यहाँ पे आपका शो कर देता है। तो वो आपका यहाँ ग्रीवियंस आईडी आपको आ जाता है, यहाँ डेट इशू कौन सा डेट में किए हुए हैं, कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है, कौन सा टाइप है, आप कौन से कंप्लेन किए हैं और क्या नाम है, इसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पे आपका आ जाता है, डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखे हुए हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका डे यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे सेशन टाइप और स्टेटस देख रहे हैं कि पेंडिंग में है क्योंकि मैंने इसको अभी किया है, तो ये अभी रिमार्क के लिए जाएगा और इससे प्रोसेस आगे होगा तो ये मेरा यहाँ पे जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो होता रहेगा, क्योंकि ये अब जाएगा आगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट टू यस डी एस ओ मधुबनी जाएगा और ये जो भी होगा उसका जो अप्रूव या रिजेक्ट जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अभी किया है तो इसीलिए पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से प्रोसेस आगे जाएगा वो आपको स्टेटस यहाँ पे शो करता रहेगा। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप राशन कार्ड है तो कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से राशन कार्ड में अगर आपको कोई गड़बड़ी हुआ है या आपको राशन नहीं मिलता है या आपको कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना मुखिया सरपंच के पास जाए अब बहुत ही आसानी से राशन कार्ड हेतु कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।